Hi viewers, welcome to Sleepy Radiology, and I hope everyone is staying at home and enjoying our sweet educative session. And with your blessings, thank you so much for liking our videos, and I will try my level best to do perfect. Actually, I'm not here for any perfection. I just want to give my small knowledges which I have, and I want to share with all my world of radiology. So moving toward our sleepy radiology, today we are discussing about a nice topic, that is radiation units. So talking about radiation units means, it's the several quantities and units means, jo radiation units hota hai, kuch quantities hota hai, kuch units hota hai. Basically we are using in the field of diagnostic radiology, we are using mainly in the diagnostic field to measure the amount of doses. Kitne radiation उस एरिया में कितने रेडिएशन है, कितना हार्मफुल हो सकता है रेडिएशन, जो आगे चल के हमने देखा कि बहुत सारा वार्निंग साइंस होता है. हम एम्स ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन भी माना है, तो क्या क्या मेजरमेंट होता है, हम लोग क्या क्या मेजरमेंट, कैसे डोज इसका मेजरमेंट होता है, ऑल दिस थिंग्स वी आर डिस्कसिंग अबाउट इन रेडिएशन यूनिट्स चैप्टर. सो वट इज़ द मेन गोल ऑफ रेडिएशन यूनिट इज टू प्रिवेंट द स्टोकास्टिक इफेक्ट एंड टू मिनिमाइज द डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट, सो दैट वी कैन प्रिवेंट एवरी patient, every staffs, every entire environment from the harmful effects of radiation. So what is the use of these units? They will provide us information about the radiation, how much it is coming to an individual, how much it is coming to an individual organs. ये जो units होता है वो basically हमको information देगा कि एक individual को कितना radiation लगता है, एक area में कितना radiation होता है, एक person में कितना radiation होता है, उस person का organs में कितना radiation आ रहा है, कौन सा organs harmful है, कहाँ कहाँ आपको protection करना है, everything ये radiation units आपको पूरा information दे देगा. As well as basic concept of radiation and radioactivity. Radioactivity बारे में भी आपको समझ में आएगा कि अल्फा रेज, बीटा रेज या गामा रेज है, तो एक्सरे और गामा रेज कितना हार्मफुल हो सकता है, अल्फा रेज बीटा रेज कितना हार्मफुल हो सकता है, एज वेल एज आपको क्या करना है उसी हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो कमिंग टू द फिजिकल क्वांटिटीज, लाइक वी हैव फ्लुएंस, वी हैव कर्मा, वी हैव एब्जॉर्ब डोज. ऑपरेशनल यूनिट्स, वी हैव एम्बेडेड डायरेक्शन पर्सनल डोजेस एंड प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स में वी रिक्वायर ऑर्गन डोज, ऑर्गन इक्विपमेंट डोज एंड इफेक्टिव डोज. सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड यूनिट्स ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. सो रेडिएशन मेजरमेंट्स रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक सन ऑफ रेडिएशन फील्ड. जैसे कि मानो कि अगर आप यूनिट का डिस्कस करोगे तो आपको एक स्पेशल फीचर्स भी मैंटेन करके सोर्स क्या है, एक्सरे है या गामा सोर्स है. सो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देगा एक्टिविटी एम ए और के वी कि हाई है या लो है. नेक्स्ट इन फ्लाइट, जैसे कि फ्लाइट ट्रेवलर्स आर ऑल्सो एक्सपोज टू रेडिएशन, तो एक्सपोजर इफिशेंसी क्या है. नेक्स्ट इंट्रैक्शन पॉइंट, जब भी रेडिएशन किसी के साथ इंट्रैक्ट करता है, मेटल हो, पेशेंट बॉडी हो, कुछ भी सांस हो, तो दैट इज़ गिविंग विद द हेल्प ऑफ कर्मा. एंड जो एब्जॉर्ब डोज होता है मैटर पर्सन, जब भी हम इंसान को ले रहे हैं तो हाउ दिस कितना रेडिएशन है उनमें, कितना ऑर्गन्स एफेक्टेड, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन आर गिवन बाय एब्जॉर्ब डोज, इक्विवेलेंट डोज एंड एफेक्टिव डोज. एंड फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेडिएशन डोसीमीटर्स, जो कि ना हेल्पफुल होते हैं कितना रेडिएशन एब्जॉर्प्शन में. तो जब भी हम रेडिएशन डोज के बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो एरियाज आते हैं, जैसे कि मानो कि एक होता है पर्सनल एरिया, दूसरा होता है हमारा एरिया जो होता है. तो पर्सनल मॉनिटरिंग में आपको आप खुद का कैसे मॉनिटर करोगे, तो वो चीज़ हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ TLD, नेक्स्ट फ्लिम बैच, OSLD, पॉकेट डोसीमीटर. और पॉकेट डोसीमीटर इज गिविंग अस इंस्टेंटेनियस रिपोर्ट्स, जो इंस्टेंटेनियस अभी क्या रेडिएशन है वो हमें इन्फॉर्मेशन कौन देता है, पॉकेट डोसीमीटर. और मानो कि आपके जो एरिया है उसमें कितना रेडिएशन है उसका इन्फॉर्मेशन कैसे आप मेजर करोगे, तो उसके लिए हमारे पास आयोनेशन चैम्बर है, GM काउंटर है, सर्वे मीटर है, जोनल मोनिटर्स हैं, रेडिएशन अलार्म्स होते हैं. उसके बाद नया टेक्नोलॉजी में हमारे MOSFET डिटेक्टर्स आ गया है, गैपको मीटर है, बबल टेस्ट है, सो मेनी थिंग्स आर इन वी हैव, जैसे हम रेडिएशन मेजर कर सकते हैं. तो उसके लिए कुछ यूनिट्स होता है हर किसी का, तो उसी यूनिट्स का मेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट. तो एक्सपोजर इज द क्वान्टिटी ऑफ मोस्ट कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस द रेडिएशन डिलीवर्ड फ्रॉम ए पॉइंट. तो मानो कि यू हैव अ सैंड बॉटल, तो जब सैंड का बॉटल से आप स्प्रे कर रहे हो तो वहाँ से क्या हो रहा है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का आ रहा है परफ्यूम का बॉटल से. तो वो पार्टिकल्स मतलब क्या, सैंड का जो बॉटल है वो है आपका पॉइंट सोर्स. जब आप प्रेस करो, एक्सपोज करो, तो आप वह जो पार्टिकल्स आ रहे हैं वो कितने आपके बॉडी में लगा, कितने वेस्ट हो गया, दैट इज़ व्हाट इज़ आवर एक्सपोजर. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. तो एक्सपोजर का मतलब होता है कि जो पॉइंट से डिलीवरी हो रहा है, कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन, हाउ मच पार्टिकल्स ऑफ आयोन्स आर कमिंग एंड इंटरेक्टिंग विद द बॉडीज, दैट इज़ गिविंग
इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एक्सपोजर. तो एक्सपोजर जो होता है वो बेसिकली हमको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो हमारा सोर्स होता है एक्सरे सोर्स, जब भी हम एक्सपोजर को प्रेस कर रहे हैं कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन निकला है, कितना पार्टिकल्स निकला है, कितना फोटोन्स निकला है और हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द एनवायरमेंट, कितने पेशेंट को लगा, कितने फ्लोर को लगा, कितना वेस्ट हो गया, कितना फिल्म प्रोडक्शन किया है, सो दैट इज़ एक्सपोजर. तो इसका जो ओल्ड यूनिट होता था वो रोंजिन होता. बेसिकली सर रोंजिन ने हमारा ये एक्सपोजर की यूनिट को पहले डिस्कवर किया था, सॉरी इन्वेंट किया था. और ऐसा यूनिट जो है वो है कोलम पर के जी. तो वन रोंजिन इज इक्वल टू 2.58 × 10⁴ कोलम पर के जी. एंड द रीजन ऑफ एक्सपोजर इज वाइडली यूज इन रेडिएशन क्वान्टिटी टू मेजर कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन आफ्टर एक्सपोजर इज कमिंग टू द एरिया ऑफ द फील्ड फ्रॉम द पॉइंट सोर्स. सो वॉट इज द पॉइंट सोर्स? पॉइंट सोर्स इज माई एक्सरे मशीन. Next, we will see. So once our X-ray comes out, what happens is, suppose this is a tissue, this is the incident ray and this is the transmitted ray. So always keep in mind that incident ray will be more. 100 kV tube से निकल रहा है. Patient के साथ interact हो गया. 50 kV आ गया. क्यों? Because absorption happens here. So that is what is called as attenuation. So what is attenuation? Attenuation is the degree of absorption and degree of scattering. So whenever any beams come out, this is called as incident beam. When it interacts with the patient body, attenuation happens. So what is this actually the attenuation? Just keep in mind degree of absorption. How much the body has absorbed. So if bones are there, more absorption. If soft tissue is there, little less absorption. If air is there, almost nil absorption. So this is what is attenuation. Degree of how much you have intake and how much you have thrown out. So thrown out is my scattering and that is my transmitted beam or low energy beam or secondary beams. Okay. Next thing is, so Rongen first defined the term exposure as we have said, and Rongen is radiation monitors are basically used for calibration purpose, to calibrate our machine that it is giving us fruitful radiation or not. जो radiation का यूनिट्स होता है उनका मेन पर्पस ये है कि वो बेसिकली कैलिब्रेशन करके बता देते हैं कि आपके जो डोज आप यूज़ कर रहे हो डिपार्टमेंट में वो काफ़ी हेल्पफुल है या नहीं है, या आप उससे डोज को एक्सिट कर रहे हो नहीं, तो आपका मशीन प्रॉपरली क्यूए में है या नहीं है, कोई लीकेज तो नहीं है, ज़्यादा लीकेज तो नहीं हो रहा है, ऑल दिस थिंग्स दे आर गिविंग. ओके. तो इसी जाते जाते एक बात बोलूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि रेडिएशन जब प्रोड्यूस होता है पॉइंट सोर्स से, तीन टाइप प्रोड्यूस होते हैं. एक होता है प्राइमरी बीम जो कि ना काफ़ी हेल्पफुल होता है टू प्रोड्यूस द इमेज. दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी रेडिएशन जो टू टाइप्स का होता है. एक होता है स्कैटर्ड रेज, दूसरा होता है लीकेज रेडिएशन. तो स्कैटर्ड जो रेज होता है वो क्या होता है कि इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम आफ्टर इंट्रैक्शन ऑफ द प्राइमरी बीम. जब प्राइमरी बीम पेशेंट को स्ट्राइक करेगा वो क्या होता है, दिस कम्स आउट एंड स्ट्राइक विद द कैसेट, फ्लोर, टेबल, वॉल्स, एनीथिंग. सो दैट इज़ माई सेकेंडरी रेडिएशन. ऑलवेज दे आर लो एनर्जी रेडिएशन एंड दे आर वेरी वेरी हार्मफुल. इफ दे इंट्रैक्ट विद यू डेफिनेटली यू विल हैव ई रेडिएशन. रेडिएशन का चांसेस और भी बढ़ जाता है. जो सेकेंडरी रेज होता है वो कहाँ से तैयार होता है, पेशेंट का बॉडी भी हो सकता है, कैसेट, नीचे का पेशेंट काउच, फ्लोर, एवरीथिंग. तो ये है हमारा सेकेंडरी रेडिएशन. दूसरा तीसरा जो टाइप होता है वो है हमारा सेकेंडरी का ही, वो होता है हमारा लीकेज रेडिएशन. तो लीकेज रेडिएशन क्या होता है, जो हमारा मशीन्स होता है एक्चुअली रेडिएशन क्या है, लाइक विंड है, गैस टाइप है, तो कंटिन्यूसली वहाँ से कुछ अमाउंट 0.1 mR रेडिएशन नॉर्मल है, तो वो होता है लीकेज रेडिएशन. अगर 1 mR 180 mRV के ऊपर क्रॉस करके चला गया तो वो रेडिएशन हमारा लीकेज से नहीं, वो हमारा एक्सिड रेडिएशन हो जाता है. ओके. सो दैट इज़ माई लीकेज रेडिएशन. ओके. नेक्स्ट थिंग इज, दो चीज़ और भी होता है, प्राइमरी वॉल होता है, एक सेकेंडरी वॉल होता है. जो रेडिएशन प्राइमरी बीम अगर किसी वॉल पे डायरेक्टली पड़ रहा है तो दैट इज़ माई प्राइमरी वॉल, प्राइमरी बेरियर. और जो प्राइमरी वॉल और जो स्कैटर्ड रेडिएशन होता है ना, जो प्राइमरी वॉल को टकरा के फिर दूसरे तीसरे वॉल को स्ट्राइक कर रहा है, दैट इज़ माय सेकेंडरी वॉल. और जब भी हम रेडिएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले जो लेयर लगाता है वो है हमारा प्राइमरी बैरियर, और उसके बाद जो बैरियर होता है वो सेकेंडरी बैरियर. तो मानो आपका डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट में आप रेडिएशन प्रोटेक्शन कर रहे हो, तो प्राइमरी बैरियर कौन सा है, वॉल. उसके बाद सेकेंडरी बैरियर कौन सा होगा, लेड शील्ड. कुछ कुछ डिपार्टमेंट फ्लोरोस्कोपी जैसे दे आर यूजिंग, क्या यूज़ करता है, बेरियम पेस्ट. तो प्राइमरी प्रोटेक्शन बैरियर कौन सा होगा, बेरियम सल्फेट का पेस्ट, फिर होगा वॉल, फिर होगा हमारा लेड शील्ड. ओके. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से. नेक्स्ट थिंग इज एक्सपोजर रेट
कांस्टेंट, तो एक्सपोजर रेट कांस्टेंट इज बेसिकली जो यूनिट सोर्स से निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, एक घंटे में कितना निकल रहा है, सो वन सेंटीमीटर डिस्टेंस में कितना रेडिएशन आया. सो बेसिकली कोबल 60 का वन सेंटीमीटर डिस्टेंस में रेडिएशन जो एक्सपोजर रेट होता है वो होता है 13.07 रोंजन पर आवर, और इसका जो यूनिट होता है वो है रोंजन पर सेकेंड, रोंजन पर आवर, रोंजन पर मिनट, और जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है कूलम पर केजी. तो ये बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं जो आप रेडिएशन ले रहे हो एक्सरे, कोबल्ट या टेक्नीशियन 19, उनका वन सेंटीमीटर डिस्टेंस में फ्रॉम द पॉइंट सोर्स उसका इफेक्ट क्या रहता है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज एब्जॉर्ब डोज. वी ऑल नो एब्जॉर्ब डोज मीन्स आप रेडिएशन निकल गया है, आपने सैंड का बोतल ऑन कर लिया, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स निकल गया, परफ्यूम बहुत ज़्यादा स्वीट स्वीट पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम निकल गया है, बट आपके बॉडी में कितना एब्जॉर्ब हुआ है. जब भी आपने स्प्रे किया है कुछ क्या होता है, बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, कुछ बाहर निकल जाता है. सो आपके बॉडी में जब आपने वन सेंटीमीटर डिस्टेंस में रखा है तो आपके बॉडी में कितना एब्जॉर्ब, हाउ मच योर बॉडी हैज एब्जॉर्ब वंस यू हैव स्प्रेड और वंस यू हैव एक्सपोज्ड ऑन, दैट इज माई एब्जॉर्ब डोज, हाउ मच माई बॉडी हैज एब्जॉर्ब. ओके, तो द यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज इज जूल पर के जी and is sometimes called as gray. So 1 gray is equal to 1 joule per kg and old unit was red, radiation absorbed dose. Okay, so 1 gray is equal to 100. Next one is the karma. So once the radiation comes out it may strike to any particles, so that is what is kinetic energy released in the medium. So what we know, there is two types of energies, one is potential energy, another one is the kinetic energy. So potential matlab jo energy aap mein hai, the energy which is inside you. I have a potential to teach 100 persons. I have a potential to teach 96 kilo weight. So this is my potential. I have a potential to take 1 kg biryani. ठीक है, जो अपने अंदर का एनर्जी होता है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. और दूसरा एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी. जब आपको किसी ने धक्का दिया है, दो कैटेगरी का पर्सन, एक बच्चा धक्का दिया है और एक सोमो रेसलर ने धक्का दिया, किसके धक्के के वजह से आप डिस्प्लेस करोगे अपनी जगह से, हिल जाओगे, ऑब्वियसली विद द सुमो रेसलर बिकॉज ही इज हैविंग मोर पावर. सो दैट इज व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी विच इज ऑपोजिट फोर्स व्हेन इट कम्स एंड प्रेशराइज ऑन यू एंड यू फॉर विच यू आर गेटिंग डिस्प्लेस्ड. तो जो हमारा एक्सरे जब निकलते हैं तो एक्सरे तो बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ट्यूब में प्रोड्यूस होता है. सो व्हाट हैपेंस इज जब आपने एक्सपोजर ऑन किया है, क्या होता है उस एक्सपोजर में एक सर्टेन लिमिट होना चाहिए, 40 kb, 100 kb, 60 kb. तो 100 kb होगा तो क्या होगा, वी विल बी एक्सपोजिंग मोर. 40 kb होगा तो नो चांसेस, लेस, बिकॉज 40 kb के नीचे क्या होता है, स्पेस चार्ज इफेक्ट ही होता है ज़्यादातर, एक्सरे प्रोडक्शन ही नहीं होता है. सो दैट इज व्हाट इज कैरमा. सो कैरमा इज डिसाइडिंग यू दैट इनिशियल इंट्रैक्शन ऑफ द फोटोन विद द चार्ज पार्टिकल, मीन्स जब भी एक्सरे प्रोडक्शन हो रहा है तो कैरमा विल डिसाइड हाउ मच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन यू हैव ऑन द एक्सपोजर. इफ इट इज बिलो 40 kb ऑब्वियसली नो एक्सरेज, लेस चांसेस. इफ इट इज अबव 100 kb ऑब्वियसली देयर इज मोर चांसेस ऑफ इमिशन एंड मोर इंट्रैक्शन विल हैपन. सो the unit of karma is joule per kg and same as absorbed dose, and SI unit is gray. Okay, next thing is if you're comparing so a tissue with absorbed dose and soft tissue, you can see that kya hota hai ki the density of the dose of the tissues hota hai wo hota hai 1.06 into dose in air. So mano ki aapne 80 kb ka machine lagaya 2.5 mm, matlab highest filtration diya hai, फिर भी एक बॉडी का टिश्यू जो होता है उसमें 1.06 इंटू डोज इन द एयर का एक्सपेक्टेड अमाउंट रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाता है. तो इसलिए आपको प्रोटेक्शन मिलना बहुत ही ज़रूरी है, अगर नहीं लोगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी बिन बुलाए रेडिएशन डिजीज़ को बुला लोगे, लाइक वी आर हैविंग राइट नाउ कोरोना. इफ़ यू डोंट स्टे होम एंड वॉश योर हैंड्स एंड डोंट कवर योर मास्क एंड मूव हियर एंड देयर, व्हाट विल हैपन, इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम देयर कोरोना विल कम एंड इन्फेक्ट यू. सेम इज रेडिएशन, कोई फर्क नहीं है, सेम जस्ट सेम. ओके, नेक्स्ट थिंग इज एक्सपोजर एब्जॉर्ब डोज एंड कैरमा रिलेशन इज दैट एक्सपोजर कैन बी लिंक्ड विद एयर बट कैरमा विल बी लिंक्ड विद ओनली द पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूरॉन्स, एक्सरेज एंड गामा रेज. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग 100 kb ऑफ एक्सरे, यू कैन प्रोड्यूस 1 mm ऑफ रेडिएशन एट अ पॉइंट सोर्स. सो एटलीस्ट द एयर कैरमा विल बी 8.7 mg एंड इट इज फिक्स, एंड टिश्यू कैरमा विल भी 9.5 mg एट दैट पॉइंट. अगर आपके पास 100 kb का एक्सरे और आपने 1 meter डिस्टेंस में 1 रोंजन मतलब एक्सपोजर रेट रखा है तो आपको क्या होगा, जो
एयर का कर्मा होगा वो मैक्सिमम हो सकता है अबाउट अप्रोक्सीमेटली 8.7 मिलीग्रे, काफ़ी हाई है, और टिश्यू का जो होता है 9.5 मिलीग्रे, तो एयर से ज़्यादा टिश्यू में ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम डोज। ऑप्टिमम डोज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दिस अ डोज टू प्रोवाइड द एक्यूरेट एक्यूरेसी इन डायग्नोसिस। ऑप्टिमम कि हाउ मच यू कैन रिड्यूस द डोज, कितना आपको डोज कम रखना है ऑप्टिमम। जैसे कि मानो कि हमारे पास चेस्ट एक्सरे है वो 60 के बीच से हो जाता है, दैट इज 60 के बीच माई ऑप्टिमम, सो आई कैन कीप इट 60, बट आई कैन नॉट गो टू and go and do with 70 kb for every patient. So that is the thing, is optimum doses that we should keep in mind, that as much as we can minimize the dose and we should not increase it after the reference value. So physical characteristics are not directly in the dose limitation, but as far as we have to follow the ICRP guidelines. Next thing is for patient bodies, for person's protection we are following the thing is equivalent dose. The equivalent dose एकदम याद रखना, एब्जॉर्ब डोज होता है, बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा है आप, इक्विवेलेंट डोज वो बता देगा कि आपने जो बॉडी में स्प्रे किया है, आपका जो परफ्यूम है, योर परफ्यूम इज वाटर बेस्ड परफ्यूम और फॉग बेस्ड परफ्यूम, सॉरी वाटर है या गैस वाला है, एरोसोल वाला है। अगर वाटर होगा तो क्या होगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब करोगे, अगर एरोसोल होगा तो कम आएगा, ज़्यादा उड़ जाएगा, सो दैट इज़ वाट इज इक्विवेलेंट डोज। एग्जैक्टली एब्जॉर्ब डोज तो हो रहा है बॉडी में, बट कौन सा रेडिएशन टाइप क्या है, प्रोटॉन का है, न्यूट्रॉन का है, अल्फा का है, एक्सरे का है या गामा का है, वही आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है आपका इक्विवेलेंट डोज। तो इसका जो मेजरमेंट होता है इक्विवेलेंट डोज का, एब्जॉर्ब डोज इनटू रेडिएशन वेटिंग फैक्टर, रेडिएशन टाइप ऑफ रेडिएशन, तो जनरली एक्सप्रेस्ड एज द बायोलॉजिकल इफेक्ट। तो अगर आपका जो टाइप ऑफ रेडिएशन, जैसे कि अल्फा और बीटा क्या है, उनका लेस पेनिट्रेशन पावर, दे आर हैविंग लेस पेनिट्रेशन पावर, तो दे विल स्टे इन द बॉडी। सो व्हाट विल हैपन इफ यू आर यूजिंग अल्फा एंड बीटा एज रेडिएशन, व्हाट विल हैपन, इट विल स्टे इन द बॉडी एंड इट विल गिव यू मोर इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। बट वेयर इज एक्सरे एंड गामा रेज हैव व्हाट, हाई पेनिट्रेशन, तो दे विल कम आउट ऑफ द बॉडी, दे वोंट स्टे सो मच इन द बॉडी, सो डोजेस विल बी लेस। So something we call it as LET, linear energy transfer, which is giving us the information that अगर आपका जो LET है वो डिसाइड करता है कि जो एब्जॉर्ब डोज होता है ना वो एक सेंटीमीटर टिश्यू में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, तो अगर अल्फा और बीटा लिया तो क्या होगा, पेनिट्रेशन पावर इज लेस, तो वो जाके क्या हो जाएगा, बॉडी में सेटल हो जाएगा, तो इफेक्ट क्या हो जाएगा रेडिएशन का, मोर हो सकता है। एक्सरे और गामा रेज हाई पेनिट्रेशन पावर है, बॉडी में इतना स्टे नहीं करेगा, निकल जाएगा, तो एफेक्ट क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। सो इक्विवेलेंट डोज जो होता है वो आपको बता देता है कि एक बॉडी में कितना डोज होता है और वो डोजेस कितना हार्मफुल होता है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रेडिएशन। तो आप देख सकते हो एक्सरे फोटोन का कितना 1, बीटा का 1, गामा 1, थर्मल न्यूट्रॉन्स का 5, बहुत ही डेंजर हो जाएगा, फर्स्ट न्यूट्रॉन्स का हाई डेंजर, हाई एनर्जी लो एनर्जी, सो दिस इज व्हाट इज all the radiation weighting factors for our, उनका जो यूनिट होता है वो होता है सेवर, और उसका जो ओल्ड यूनिट है उसका यूनिट है हमारा रेम, रोंजन इक्विवेलेंट मैन। नेक्स्ट इज डिट्रीमेंट। तो डिट्रीमेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस, ये जो एक्सरेज आपकी बॉडी के साथ इंट्रैक्शन कर रहा है whether they are harmful or not, that information is going to give by the detriment. So detriment is a radiation exposure of different organs and tissues resulting in probability of harmful effects or not. So ye jo radiations hai, alag alag radiations hai, wo kya karte hai, body ke alag alag tissues mein harmful effect karte hai. So detriment jo hoga wo aapko information de dega ki wo jo tissues hai wo jab bhi radiation interaction ho raha hai, whether it is harmful or less harmful. Okay, so that is a combination of probability of chances of occurring of radiation or not is my detriment. Next is my effective dose. So effective dose is a dose which we count is absorbed dose into type of radiation and the type of tissues. उसमें क्या होगा, अब जो equivalent था वो type of radiation था, और जो effective dose होगा it will give us the information about the various types of tissues. तो अब आप पूरे body में एक survey कर सकते हो कि कौन सा area आपके लिए harmful हो सकता है। तो आजकल के प्रोटोकॉल के हिसाब से, आईसीआरपी का गाइडलाइन के हिसाब से, बोन मैरोज, ब्रेस्ट टिश्यूज, आईज, दे आर मोस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन, गोनाड्स, तो आपको इन एरियाज में ज़्यादातर प्रिकॉशन लेना है वेल यू आर इन द रेडिएशन फील्ड, ठीक है। तो इसका जो यूनिट होता है वो सीवर्ट होता है, और ओल्ड यूनिट है रैम, रोंजन इक्विवेलेंट मैन। तो एफेक्टिव डोज क्या है, एब्जॉर्ब डोज इंटू टिश्यू वेटिंग फैक्टर इंटू द टाइप ऑफ रेडिएशन। Okay, so weighting factor, WT is the weighting factor for the tissue and HT is the weighting factor of the, so this is all about the
सी आप देख सकते हो वेरियस ऑर्गन्स एंड देयर वेटिंग फैक्टर. देखो ब्रेस्ट का बहुत ही कम है, मतलब बहुत सेंसिटिव है. लंग, थायराइड, थायराइड का भी कम है, सेंसिटिव है. गोनर 0.20 सेंसिटिव है. 0.1 बोन मैरोस बहुत ही सेंसिटिव है. दिस आर द लिस्ट ऑफ ऑर्गन्स विच आर वेरी मच सेंसिटिव और यू हैव टू बी प्रिकॉशन रिगार्डिंग दैट. नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिविटी मेजरमेंट करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी जो है, जब भी हम न्यूक्लियर मेडिसिन में रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो आइसोटोप्स होता है वो कितना हार्मफुल होता है बेस्ड ऑन हाफ लाइफ. सो एक्टिविटी इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. सो वी से दैट वॉट इज हाफ लाइफ. जनरली रेडिएशन का जो डोज होता है वो क्या होता है, टाइम के हिसाब से हाफ हो जाता है. जो मानो कि उसका इनिशियल स्टेज में 10 था पैकिंग के टाइम पे, आपके पास पहुँचते पहुँचते उसका हाफ लाइफ हाफ हो जाएगा, मतलब आपको मिलेगा 3 मिलीक्यूल. तो इसलिए न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट या जो जहाँ पर पैट या पैट स्कैन चलते हैं दे बेसिकली डजेंट हैव अ स्टॉक ऑफ आइसोटोप्स लाइक फिल्म वी हैव. जब भी और इनके जो प्लानिंग होता है डिपार्टमेंट का वो काफ़ी एक्सेसिबल एरियाज में रहेगा. जैसे कि मानो कि आप दिल्ली में हो और आप का जो सोर्स है प्रोडक्शन एरिया है वो बेसिकली कमिंग फ्रॉम दिल्ली एंड चेन्नई ओनली. ओके, तो अब मैं त्रिपुरा में हूँ और मैं एक त्रिपुरा का इंटीरियर विलेज जैसे कि उदय शाबरूम है, तो शाबरूम में मेरा कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है. तो दिल्ली या चेन्नई से मैंने सोर्स जब लोड किया है उसका हाफ लाइफ था 1 डे. तो 1 डे मतलब शाबरूम में आने में 1 डे इज़ नॉट सफिशियंट फॉर मी. तो वो पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगा, उसका हाफ लाइफ ख़त्म ही हो जाएगा उस आइसोटोप का. तो इसलिए एक्टिविटी बेसिकली हम लोग जब न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट पैर स्कैन या जहाँ हम रेडियो आइसोटोप्स यूज़ करते हैं वी आर फोकसिंग ऑन दैट एरियाज. तो हाफ लाइफ इज़ गिविंग यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट द आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स की व्हेन इट इज़ गोइंग टू गेट ओवर, व्हेन द प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन विल गेट ओवर. सो बेसिकली टेक्नीशियन हैज़ वर्ड 6 आवर्स, टेक्नीशियन 99 एम. नेक्स्ट इफ यू आर टेकिंग आयोडीन 8 डेज, इफ यू आर टेकिंग कोबाल्ट so 23 years like that. So that is what is the half life. So if you are bringing cobalt and uploading in a source, what will happen, cobalt will stay up to 23 years. You need to think about this area. But if cobalt get leakage in your department, 23 years you will be fired out from the department, you cannot enter the department also. So basically for radioisotopes and PET scans we are basically using technetium 99 with tracer because half life bhi kam hai and we can also release the patient then and there. That is what is activity. Activity is giving us the information about how much was the initial rate of isotope in the time of packing and when it reached to you how much it left, how much its activity left, how much its dose quantity left, that is activity. Okay, next thing is this is the revising for you. Activities unit is becquerel, SI unit is curie, and 1 becquerel equal to 2.7 into 10 to the power 11 curie, 1 curie is equal to 3.7 into 10 to the power 10 becquerel. Exposure unit is coulomb per kg, older unit was Rontgen, 1 Rontgen is equal to 2.58 into 10 to the power minus 4 coulomb per kg, 1 coulomb per kg is equal to 3876 Rontgen. Absorbed dose is joule per kg or gray, and old unit was red, 1 gray is equal to 100 red, 1 red is equal to 1 cg. And equivalent dose and effective dose, they are having sievert. Older unit was rem, 1 sievert is equal to 100 rem, 1 rem is equal to 10 millisievert. Okay, that was the revision for you. Next, to measure the absorbed doses, we are having calorimetry, we are having free ionization chamber, we have chemical methods which are mostly used in our departments, and detectors also we are using for area, that is Trimble ionization chamber, gigamolar counter, scintillator detectors, semiconductor detectors, photographic film like film batch, TLD. We have OSLD, pocket dosimeters. Recently, we are having gap chrome meter, which is a like litmus paper. We'll just keep the paper, litmus paper. If the color code will, the color will increase as per the dose. We have bubble test. We will load a syringe with bubble and we'll keep in the radiation area. The more the amount of bubbles, more will be the effect of ionizing radiation in that particular area. And recently, we are having metal oxide type semiconductor detectors, which is a transistor type, that is MOSFET, MOSFET, MOSFET detectors. Okay, thank you so much, and I hope you have a rough estimation about what are the units we are using for calibration and measuring of the radiation doses and how it is helpful for us. Thank you so much.